हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास्क रिएक्शंस। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। और मैं रिएक्शन करने वाली हूँ आरसीबी अनबॉक्सिंग पर, जो कि उनका जर्सी रिवील कह सकते हैं, अनबॉक्सिंग कह सकते हैं। सो ये हुआ है रिसेंटली और बहुत देर के बाद सारे आरसीबी वाले इकट्ठे हुए होंगे आईपीएल के हवाले से। और विराट कोहली, जो कि बड़ी देर से नहीं नजर आ रहे थे, अपनी थोड़े पर्सनल लाइफ में बिजी थे, वो भी आई थिंक आए ही होंगे इस इवेंट में। ऑब्वियसली उनके बगैर कैसे इवेंट हो सकता था। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, जल्दी से वीडियो को प्ले करते हैं और चेक करते हैं कि कैसी जर्सी है अब इस साल की और कैसा इवेंट हुआ है, कैसा था सब कुछ। सो मजा आने वाला है वीडियो में। सो लेट्स प्ले दिस वन, कीप सजेस्टिंग मोर वीडियोस। और अच्छा, आरसीबी का हुआ है तो मतलब सब टीमों का पता नहीं होगा या नहीं, लाइक जर्सी चेंज होगी या सेम ही रहेगी, देखते हैं। बट लेट्स सी दिस वन, सो लेट्स प्ले दिस वीडियो। अच्छा, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रही थी, आरसीबी आरसीबी। ओके, व्हाट इज दिस? स्मृति भी आई हुई है। ओके, व्हाई नॉट, विनर ऑफ वुमेन आरसीबी विराट कोहली। ओह माय गॉड, ये तो ह्यूज किस्म की कोई सेलिब्रेशन लग रही है। अमेजिंग। सब प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इंडिया में आ चुके हैं आई थिंक। अब टाइम कम रह गया स्टार्ट होने वाला है, और पहला मैच ही आरसीबी का है। तो इस दफा ये जर्सी है ब्लू विद रेड, गोल्ड थोड़ा कम हो गया इस दफा कलर। वाओ, फायरवर्क्स आर अमेजिंग। मैक्सवेल, Faf and Smriti to come like to close call to the buzzer, Smriti. And I just want to let everyone know, idu RCB a hosa adhyaya. Acha, ye kya bola, mujhe samajh se aayi, lag bhi chala gaya. Please smash that buzzer, the three of you. Okay, so ye buzzer dubaya hai inhone mil ke. I think start captain khada hai RCB ka. अच्छा, लड़कियों के जो मैच में भी, आरसीबी के मैच में भी कोहली कोहली बोला जा रहा है। तो विराट कोहली ने प्रॉपर वीडियो कॉल पे सबसे बात की थी। हैप्पी गर्ल। अब लड़कों की आरसीबी भी देखते हैं क्या कमाल करती है इस दफा। एलन, हाँ आई हर्ड एलन वॉकर वॉज देयर। सो एक तरह से कॉन्सर्ट भी हो गया, लोगों ने एंजॉय कर लिया। सो आई थिंक बड़ा मजे का ये इवेंट रहा है। ओह माय गॉड, ये क्रेज जो है ना लोगों में आरसीबी का, ये तो बहुत ही क्रेजी है। अनबॉक्सिंग इवेंट तो बड़ा धमाकेदार हो गया इसका मतलब। इस दफा कैप्टन विराट कोहली नहीं है ना, वो जो साथ खड़ा हुआ है वो है कैप्टन। तीनों मिलके ही बजर दबाएंगे। प्ले बोल्ड, हैशटैग प्ले बोल्ड है इनका। अंधेरा हो गया एकदम से।
ये सारी लाइटिंग, फायरवर्क्स, म्यूजिक सिस्टम, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है यार इस पूरे इवेंट की। ओके, सो ऐसे जर्सी रिवील की गई होगी ऐसे उनकी वीडियोस चलाकर, तो सब देख सकें इजीली। सब आईब्रो में स्लिप किया है नया नया विराट कोहली ने, अभी लग रहा है वैसे होता है अक्सर बट अभी ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ है। फील्ड पे प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं और लोग प्रैक्टिस उनकी देखने भी इतने लोग आए हुए हैं। आप सोच रहे हैं ये आरसीबी जीत गई इस दफा तो क्या होने वाला है। मोहम्मद सिराज, एलन वॉकर का जो सॉन्ग है आरसीबी का, वो भी रिएक्शन होगा उस पे नेक्स्ट वीडियो में। भाई आरसीबी वाले जिस दिन कपड़े लॉन्च करते हैं ना अपनी जर्सी, भाई साहब मैं कहता हूँ ओए होए होए होए, वाकई वो अपने आप में एक वर्ल्ड कप की ओपनिंग होती है। एग्जैक्टली, इतनी ह्यूज किस्म की ओपनिंग जैसी लग रहा है ये जो भी है, कमाल हो गया यार। इतना भी अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि इतना ह्यूज बड़े लेवल पे होने वाला है। अच्छा, जो सॉन्ग है जो कि यहाँ पर मुझे काफ़ी सजेशंस है जो एलन वॉकर का है, उस पर मैं रिएक्शन करूँगी, मैंने सुना नहीं है अभी, सो मे बी इन नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट। ABD लिखा हुआ आ रहा है, तो ABD Villiers जब RCB में बेशक रिटायर्ड हो जाए बट हर RCB मैच में होते ही होंगे वो। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे इस इवेंट में फायरवर्क्स लग रही है, लाइटिंग लग रही है। RCB ये वैसे गाना अच्छा RCB का ये वाला। मुझे ऐसे लगता है पहले थोड़ा गोल्ड ज़्यादा था, अब थोड़ा सा मुझे ब्लू ज़्यादा नज़र आ रहा है, पता नहीं शायद मुझे ऐसा लग रहा है या वाकई ऐसा है। अच्छा है, ब्लू रेड अच्छा लग रहा है। वाह, ये दिन के टाइम इवेंट स्टार्ट हुआ था और होते होते रात हो गई थी, और फिर रात को ज़्यादा अच्छा लग रहा था सारा माहौल, जो लाइटिंग वगैरह थी। क्रिस गेल ये तो आई थिंक लास्ट ईयर की वीडियो लग रही है मुझे, बट पता नहीं, बट यू कैन सी द क्रेज इन पीपल। अच्छा, ये गाना मेरे दिमाग में अब जो है ना वो फिक्स हो गया है, RCB वाला, सो यू नो बहुत ही कैची है यार। देखा, रात के टाइम माहौल ज्यादा अच्छा लग रहा है। एलन वॉकर वाज हियर और लोगों ने पूरा प्रॉपर इसको एक कॉन्सर्ट की तरह भी इंजॉय कर लिया, सो बहुत मज़ा आया यार देख के। इतना क्रेज लोगों में RCB का, और जो इतना ह्यूज लेवल पे ये अनबॉक्सिंग, जैसे वो एक वीडियो में आया कि उनकी तो अनबॉक्सिंग भी वर्ल्ड कप की ओपनिंग से कम नहीं होती, तो ये बिल्कुल ठीक बात है, उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे तो।
इतना ह्यूज लेवल पे द लाइटिंग द साउंड सिस्टम द मैनेजमेंट जो फायरवर्क्स थे सब कुछ इट वाज ह्यूज और जो लोग थे उनका आरसीबी बोलना बहुत मतलब बहुत ही इनकरेजिंग है आरसीबी टीम के लिए और हर दफा ऐसा होता होगा लेकिन इस दफा जब वुमेन जीत गए हैं तो मेन भी जो है आरसीबी मेन भी मुझे लगता है कि कुछ कमाल करने वाले हैं 2024 विल बी द ईयर ऑफ आरसीबी लेट्स सी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ और विराट कोहली को काफ़ी देर के बाद देखा से अपने लोग खुश हो गए हैं सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुझे सजेस्ट करते रहिए मजीद किस पे रिएक्शन करूँ और जो सॉन्ग है एलन वॉकर वाला वो मैंने सुना नहीं है बिल्कुल भी सुनूंगी अभी मैं देखूंगी और उस पर ज़रूर रिएक्शन आने वाला है क्योंकि मुझे देखना चाहती हूँ एलन वॉकर ने कैसा बनाया यार वर्ल्ड बेस्ट सिंगर वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय